सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ये रेड बटन दबाकर, और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो आज हमारे किचन में बन रहा है ये वाइट क्रीमी सॉस पास्ता। देखिए कितना ये अच्छा बना है, और ये क्रीम से बिल्कुल एक एक पीस इसका अच्छे से कोटेड है। बहुत ही इजी रेसिपी है और बच्चों की तो ऑल टाइम फेवरेट है। चलिए आइए बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप पेनी पास्ता का। आप कोई भी पास्ता यूज़ कर सकते हैं, किसी भी शेप और साइज़ का। तो पास्ता कुक करने के लिए हम एक बड़ा वेसल लेंगे, उसमें हम 7 to 8 कप्स पानी डाल देंगे, और जब पानी बॉयल हो जाएगा तो अब उसमें ऐड करेंगे पास्ता, और इसको आप लो मीडियम फ्लेम में ही पकाएंगे नेक्स्ट 7 to 8 मिनट्स के लिए। और यहाँ पर सॉल्ट डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पर आप सॉल्ट नहीं डालेंगे तो पास्ता बाद में बहुत ही फीका होता है और ये बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं करेगा। ऑयल यहाँ पर हम 1 चम्मच डालेंगे ताकि आपस में स्टिक ना हो। ऑयल ज़्यादा ना डालिए, बिकॉज अगर ऑयल ज़्यादा डाल देते हैं तो बाद में कोटिंग उसमें अच्छे से नहीं आएगी। तो ये देखिए पास्ता को हम लो फ्लेम में ही पका रहे हैं, और ये कुछ डबल साइज हो गया है, बिल्कुल डन है। अब इसे एक स्ट्रेनर में निकालिए। स्ट्रेन जब करेंगे उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे ठंडा पानी। ये इसलिए डाल रहे हैं ताकि पास्ता ओवर कुक ना हो, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी गर्म है और ठंडे पानी से ये मॉडरेट हो जाता है। और दूसरी तरफ अब हम ले रहे हैं वेजिटेबल्स। यहाँ पर मैंने ली है शिमला मिर्च, ब्रोकली, प्याज और गाजर, और कुछ इस तरह से लंबा लंबा आप इसे काट लेंगे, या फिर आप इन्हें स्क्वायर पीसेस में भी काट सकते हैं। अब एक पैन में ऑयल लेंगे, यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है, और अब इसमें हम ऐड कर देंगे वेजिटेबल्स। सबसे पहले मैं इसमें ब्रोकली ऐड कर रही हूँ और साथ में गाजर, क्योंकि ये थोड़ी टाइम लेता है पकने में। पहले इसे 2 से 3 मिनट तक सॉटे करिए, और यहाँ पर हमें वेजिटेबल्स को बिल्कुल भी ओवरकुक नहीं करना है। तो अब मैंने नेक्स्ट ऐड कर दिया है अनियन, इसको थोड़ी देर के लिए ही सॉटे करिए, हार्डली 30 to 40 सेकेंड्स, क्योंकि वेजिटेबल्स अगर कच्ची रहेगी तो उसका अपना ही टेस्ट आएगा। तो अब इसमें नेक्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ कैप्सिकम, जिसको मैंने लंबा लंबा काट लिया था। आप कोई भी अपनी चॉइस की वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, आप इसमें स्वीट कॉर्न डालिए, जो भी आपके बच्चों को पसंद है वो डालिए। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, जो कि कोर्स है, आप चाहे पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम ऐड कर देंगे सॉल्ट, और अब इसको मिक्स करिए, और ये बिल्कुल रेडी है हमारी वेजिटेबल्स जो कि हमने स्टेयर फ्राई कर ली है। तो नेक्स्ट अब हम बना रहे हैं वाइट सॉस, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है। इसके लिए आप 2 टेबलस्पून बटर लेंगे, और जब बटर मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे गार्लिक, जिसे कि फाइनली आप चॉप कर लेंगे और उसे आप डालिए। इसमें गार्लिक ग्राइंड करा हुआ नहीं अच्छा लगता, अगर आप फाइनली उसको चॉप कर लेंगे, बारीक बारीक काट लेंगे तो उसका अपना ही टेस्ट आता है। इसको आपको ज़्यादा नहीं पकाना है, हार्डली 30 to 40 सेकेंड पकाइए। और साथ में अब मैं ऐड करने जा रही हूँ आटा। जी हाँ, आपने सही सुना, व्हीट फ्लावर। मैं मैदे की जगह यहाँ पर आटा यूज़ कर रही हूँ। ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पास्ता में। एंड आपके लिए एक टिप है, जितना आप बटर डालेंगे उतनी ही क्वांटिटी आप इसमें व्हीट फ्लावर या फिर मैदे की डालेंगे, उससे बहुत ही अच्छा एक क्रीमी टेक्सचर आता है। और जब ये हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा दैट मीन्स ये डन है। तो ये देखिए आपको कुछ इस तरह से इसका कलर लाना है, तो बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं मिल्क। यहाँ पर आपको क्वांटिटी जो है पास्ता की उसके अकॉर्डिंग ही आप मिल्क डालेंगे। मैंने यहाँ पर 2 कप पास्ता लिए थे, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने यहाँ पर अभी 2 कप मिल्क ही डाले हैं। तो अब जब आप मिल्क डाल रहे हैं तो इसको आप अच्छे से स्टेयर करते रहिए ताकि कोई भी लंप ना बने, और अब आप इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये थिक हो जाएगा। अभी ये अच्छे से थिक नहीं हुआ, अभी मैं इसे थोड़ा सा और पकाऊँगी। और इसको जब आप पका रहे हैं तो प्लीज़ आप इसे स्टेयर करती रहिए। अब साथ में मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा मोज़रेला चीज़। चीज़ की यहाँ पर क्वांटिटी आप बिल्कुल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे। साथ में ऐड करेंगे ओरिगैनो, या फिर आप इटालियन हर्ब्स भी डाल सकते हैं। साथ में हम ऐड कर रहे हैं चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पास्ता में। और ये देखिए कुछ इस तरह से आपको थिकनेस लानी है, अच्छे से थिक हो गया है, और ये वाइट सॉस हमारी बिल्कुल रेडी है। तो चलिए आइए अब इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट। तो आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही सॉल्ट डालना है, और अब इसको
हम ऐड कर देंगे वेजिटेबल्स जो हमने पहले ही स्टेयर फ्राई करके रख ली थी। इनको अच्छे से मिक्स करिए और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बॉइल्ड पास्ता। ये देखिए पास्ता कितना खिला खिला है, और ये इसलिए खिला खिला है क्योंकि जब हमने इसे स्ट्रेन करा था, आपने देखा होगा मैंने इसमें पानी डाल दिया था, ठंडा पानी, जिससे इसकी कैरी ओवर कुकिंग बिल्कुल रुक गई थी और ये बिल्कुल खिला खिला बना है। तो अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा और दूध। आपको क्रीम जो है यहाँ पर इसे बिल्कुल भी थिक नहीं करना है ज़्यादा, बिकॉज़ जब ये ठंडा होगा पास्ता तो ये अपने आप ही थिक हो जाएगी क्रीम। और इस स्टेज में आप इसमें ऐड कर सकते हैं काफ़ी सारा चीज़, अगर आप चीज़ लवर हैं। मैं यहाँ पर अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस हो रही हूँ। आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं काफ़ी सारा चीज़ ताकि एक चीज़ी फ्लेवर अच्छे से आ जाए। ये देखिए कुछ इस तरह से इसका कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि जब ये क्रीम थोड़ी सी ठंडी होगी तो और भी थिक हो जाएगी। तो ये बिल्कुल रेडी है क्रीमी पास्ता। तो इसको सर्व करते हैं एक प्लेटर में और ऊपर से ऐड करेंगे थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स। देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल रेडी है ये क्रीमी पास्ता। देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना बढ़िया बना है। बनाइए और इसका मज़ा लीजिए। एंड मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, सी यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।